अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम हियर मुसफ़ा फ़ियाज़। वेलकम टू माय चैनल मेडिकल स्कूल लर्निंग विद अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं पॉपलीटियल फोसा की। पॉपलीटियल फोसा, जैसे कि हमें पता है कि जो है इसकी पोजीशन लोकेशन कहाँ पर है, ऑन द लोअर पार्ट ऑफ फीमर, मतलब फीमर के नीचे और टीबिया के ऊपर, तो ये दरमियान तकरीबन बिहाइंड द नी जॉइंट आ जाती है। ये अ डायमंड शेप डिप्रेशन है और बिहाइंड द नी जॉइंट है। तो हमें एग्जैक्ट पता चल गया है कि ये इसकी लोकेशन है कहाँ पॉपलीटियल फोसा की। तो हमें बेसिकली याद रखना है कि बिहाइंड द नी जॉइंट और जनाब लोअर पोर्शन ऑफ फीमर एंड अपर ऑफ टीबिया, तो ये हमारा होगा पॉपलीटियल फोसा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास एक डायग्राम, ये देखें आप। ये है जनाब पॉपलीटियल फोसा हमारे पास। तो इसकी चार बाउंड्रीज हैं, 1, 2, 3, 4। ये वाली बाउंड्री कहलाएगी हमारे पास सुपीरियर लेटरल, ये लेटरल साइड है और ये मीडियल साइड है। तो ये जिसकी सुपीरियर लेटरल जो है वो साइड पर इसका जो मसल आ रहा है वो आ रहा है बाइसेप फीमोरिस, और इनफीरियर लेटरल पे आ रहा है जनाब हमारे पास गैस्ट्रोकेनीमियस, और ये एड करता है विद प्लांटेरिस। इसी तरह सुपीरियर मीडियन में आ रहा है हमारे पास दो मसल्स, एक अपर होगा और एक लोअर। अपर साइड पर हमारे पास है जनाब इसके सेमी टेंडिनोसिस, देन आ जाता है हमारे पास सेमी मेम्ब्रेनोसिस, ठीक है ना। और ये भी एड करता है विद डिफरेंट अदर मसल्स एज सार्टोरियस, एडक्टर लॉन्गस और ग्रेसिलियस। तो यहाँ पर हमारे पास देखने को मिल रहा है कि सुपीरियर मीडियल साइड पर हमें दो मसल्स देखने को मिल रहे हैं। जो हमारे पास ऊपर वाला मसल है वो कहलाएगा जनाब सेमी टेंडिनोसिस, और लोअर वाला कहलाएगा सेमी मेम्ब्रेनोसिस, ठीक है। तो आखिर में हमारे पास आ जाती है इनफीरियर मीडियल बाउंड्री, जो कि हमारे पास बनती है गैस्ट्रोकिनीमियस। इन्फीरियर साइड पर हम यहाँ देख सकते हैं कि गैस्ट्रोकिनीमियस जो है हमारे पास मीडियल में भी आ रहा है और लेटरल में भी आ रहा है। बस फ़र्क इतना है कि मीडियल साइड पर, इन्फीरियर मीडियल साइड पर गैस्ट्रोकिनीमियस अकेला है, और लेटरल साइड पर गैस्ट्रोकिनीमियस जो है वो एड हो रहा है विद प्लांटेरिस मसल। तो यही है हमारी इसकी बाउंड्रीज। चलिए जी बात करते हैं अब इसकी बाउंड्रीज की, देख लेते हैं एक दफ़ा। ये चार बाउंड्रीज हैं इसकी, सुपीरियर लेटरल, वही जैसे मैंने आपको बताया था, ये सुपीरियर लेटरल, सुपीरियर मीडियल, ये सुपीरियर मीडियल, देन आ जाती है इनफीरियर लेटरल, ये है हमारे पास इनफीरियर लेटरल, और ये है हमारे पास इनफीरियर मीडियल। वही बातें लिखी हैं कि सुपीरियर लेटरल में आ जाता है हमारे पास बाइसेप फीमोरिस, बाइसेप फीमोरिस, और सुपीरियर मीडियल में आ जाता है सेमी मेम्ब्रेनोसिस और सेमी टेंडिनोसिस। सेमी मेम्ब्रेनोसिस जो है वो नीचे है और सेमी टेंडिनोसिस जो है वो ऊपर वाली साइड पर है, और ये एड होता है डिफरेंट मसल से जो जिनमें आ जाते हैं हमारे पास सार्टोरियस, ग्रेसिलस और एडक्टर लॉन्गस, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास इनफीरियर लेटरल, इनफीरियर लेटरल में हमारे पास इनफीरियर लेटरल ये वाली साइड हमारे पास है गैस्ट्रोकिनीमियस मेनली और एडिड विद प्लांटेरिस मसल, और इनफीरियर मीडियल में आ जाता है हमारे पास मेनली एक ही मसल है, वो है गैस्ट्रोकिनीमियस। अब देखते हैं हम इसकी बात करते हैं रूफ और फ्लोर की। अच्छा जी, अगर रूफ को देखते हैं तो रूफ हमारी कौन सी वाली साइड होगी, टूवर्ड्स द बैक, मतलब पीछे वाली साइड को हम कहेंगे रूफ, और ऊपर नी कैप वाली साइड को हम कहेंगे इसका जो है ना फ्लोर। तो देखते हैं कि हमारे पास हमें हमेशा जो है वो रूफ़ की तरफ नर्व्स देखने को मिलेंगी। जैसे कि आप इसको, ये तीन उंगलियाँ हैं, इसको हम आर्टरी कहेंगे, इसको हम वेन कहेंगे, और ये हमारी होगी नर्व। बिफोर एंटरिंग द पॉपलीटियल फोसा ये तीन इस डायरेक्शन में होंगी, यानी हमारे पास ये मीडियल साइड है और ये लेटरल साइड है। एंड आफ्टर एंटरिंग द पॉपलीटियल फोसा ये इनकी डायरेक्शन हो जाएगी इस तरह, मतलब फ्रंट पर हमें नी कैप वाली साइड पर हमें दिखेगी ये क्या थी हमारे पास आर्टरी, देन दरमियान में आ जाएगी हमारे पास वेन, और सबसे बैक पर यानी कि पीछे वाली साइड पर हमें दिखेगी नर्व, और लीविंग द जो है वो पॉपलीटियल फोसा इसकी डायरेक्शन हो जाएगी दोबारा इस तरह। यही थी हमारे पास जनाब नर्व, ये थी हमारे पास वेन, और ये थी हमारे पास आर्टरी। तो अगेन दिस इज़ द मीडियल एंड दिस इज़ द लेटरल, ये बात हम डिटेल से करेंगे। तो हम बेसिकली इसका बताने का मकसद ये था कि रूफ़ वाली साइड जो है वो चूँकि हमारी बैक वाली साइड है, नी कैप के नीचे वाली साइड है जिसे हम रूफ़ कह रहे हैं, तो उधर हमें नर्व्स देखने को मिलेंगी। तो ये देखिए लिखा हुआ है थ्री क्यूटेनियस नर्व। सबसे पहले तो रूफ जो है वो डीप और सुपरफिशियल फेशिया में डिवाइड होता है। सुपरफिशियल फेशिया जो है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि थ्री क्यूटेनियस नर्व्स हैं। थ्री क्यूटेनियस नर्व्स कौन कौन सी हैं जनाब, टर्मिनल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व, फिर आ जाता है पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ मीडियल क्यूटेनियस नर्व, फिर आ जाते हैं सूरल कम्युनिकेटिव नर्व, और एक और नर्व होती है जैसे कि यहाँ पर क्यूटेनियस नर्व है, यहाँ पर आ जाती है हमारे पास सैपनस वेन,
स्टेफनस ग्रीन भी हमें सुपरफिशियल फेशिया में देखने को मिलेगी। फिर हम बात करते हैं फ्लोर की। फ्लोर में हमें फ्लोर कौन सा साइड है, नी कैप वाली साइड। नी कैप वाली साइड पर हमें क्या दिखेगा, एक तो सबसे पहले तो नी कैप ही हमें दिखेगा, उसके बाद आ जाएगा पोपलीटियल सर्फेस ऑफ फीमर। ये देखें ये डायग्राम है, ठीक है, ये है हमारे पास नी कैप, ये है हमारी फीमर और ये है हमारा टीबिया, ठीक है। तो अब हमने कहना है पोपलीटियल सर्फेस ऑफ फीमर कौन सा होगा, ये होगा पोपलीटियल सर्फेस ऑफ फीमर, ठीक है। फिर पोपलीटियल फेशिया कवरिंग द पोपलीटियस मसल, वो कौन सा होगा, ये बैक वाला पोपलीटियल सर्फेस, पोपलीटियल फेशिया कवरिंग द पोपलीटियल मसल, यहाँ बैक में होगा ना पोपलीटियल मसल, तो यहाँ पर आ जाएगा ये पोपलीटियल फेशिया, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसके कंटेंट्स की। कंटेंट्स में भी हमें वही देखने को मिलेगा कि आर्टरीज होंगी, वेन्स होंगी, सब लिम्फ नोड्स होंगे और कुछ फैट्स होंगे। तो आर्टरीज देखते हैं, हम पोपलीटियल फोसा की बात कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ होगी सबसे पहले पोपलीटियल आर्टरी और इट्स ब्रांचेस, देन आ जाएगी पोपलीटियल वेन एंड इट्स ब्रांचेस। नर्व में हमारे पास होगी टीबियल नर्व मेनली, देन होगी हमारे पास क्योंकि ये शियाटिक नर्व ऊपर होगी, इससे ऊपर अगर हम पोपलीटियल फोसा से ऊपर हम जहाँ देखते हैं बैक ऑफ थाई में हमें देखने को मिलती है शियाटिक नर्व। शियाटिक नर्व दो ब्रांचेस देगी, एक होगी टीबियल नर्व और एक होगी कॉमन पेरोनियल नर्व। तो ये दोनों नर्व जो हैं तकरीबन हमारे पास पोपलीटियल फोसा में से गुजर रही होती हैं। तो देखने को मिलेगी हमें टीबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व। देन आ जाती है पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। फिर होती है हमारे पास जेनिकुलर ब्रांच ऑफ ऑब्टूरेटर नर्व, ठीक है, ये हमारे पास होगी नर्व। फिर हमारे पास आ जाता है पोपलीटियल लिम्फ नोड्स, सब लिम्फ नोड्स एंड फैप्स, ठीक है, ये हमारा इसका टोटल मिला के हो जाएगा कंटेंट। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें अगर हम बैक से देखें, मतलब बैक पर साइड बिहाइंड द नी कैप, तो हमें जैसे कि ये हमारे पास किस तरह में, ये हमारे पास सामने वाली जो जगह है ये हमारा नी कैप वाली जगह और ये जो है हमारी लेग की पीछे वाली जगह है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो सबसे ऊपर हमें क्या दिखेगा, सबसे ऊपर हमें दिखेगी जनाब नर्व, उसके अंदर डीप जाएंगे तो हमें दिखेगी पोपलीटियल वेन एंड उसके अंदर यानी कि सबसे ज़्यादा नी कैप के बिल्कुल नीचे हमें दिखेगी आर्टरी। तो ये एक एग्जांपल है, ये वैसे तो मेरा हाथ है बट अगर हम इसको इमेजिन कर लें कि ये हमारा नी कैप वाली जगह है, मतलब हम हमारा हमारी लेग है ये समझ लें, तो हम ऊपर से अगर फ्रंट से देखेंगे तो सबसे पहले हमें नी कैप के नीचे दिखेगी आर्टरी, देन आएगी हमारे पास दरमियान में वेन और सबसे इधर बैक वाली साइड पर हमें या दिखेगी इसकी नर्व, टीबियल नर्व। तो वही बात है जनाब, ये देखें इस डायग्राम में हमें दिख रहा है, ये है हमारे पास पोपलीटियल फोसा, ठीक है, बिफोर एंट्रिंग की, जैसे कि मैंने पहले बताया था बिफोर एंट्रिंग द पोपलीटियल फोसा इनकी डायरेक्शन होगी इस तरह, ये थी हमारे पास आर्टरी, ये वेन, ये नर्व। देन एंट्रिंग इनटू द पोपलीटियल फोसा इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इस तरह, यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास ये क्या थी, ये थी ना नर्व। तो अब हमें बैक में सबसे पहले क्या दिखेगी, हमें नर्व दिखेगी, उसके बाद आ जाएगी हमारे पास वेन एंड देन आ जाएगी हमारे पास आर्टरी, आर्टरी यानी सबसे नी कैप वाली साइड पर चली जाएगी। देन हमारे पास जब हम इस तरह लीविंग द पोपलीटियल फोसा कह लें कि जब हो जाएगी तो उसकी डायरेक्शन ये होगी कि ये जनाब हमारे पास है नर्व, ये आ जाती है हमारे पास वेन और ये आ जाती है हमारे पास आर्टरी। तो वही हमने बात दिखनी है कि अपर पार्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा कि जनाब मीडियल टू लेटरल हमारे पास है ए बी एन, आर्टरी, वेन एंड नर्व। मीडियल पार्ट में आ जाता है हमारे पास, ज़ाहिर है मिडिल पार्ट में बात कर रहे हैं तो हमारी डायरेक्शन है ये, तो अब हम कहेंगे कि बैक से फ्रंट की तरफ जाना है हमने, बैक से फ्रंट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हमें दिखेगी नर्व, ये थी ना बैक से फ्रंट, ये हमारे पास साइड है, ये बैक है, यहाँ पर है हमारे पास नी कैप। तो बैक से फ्रंट में जा रहे हैं हम तो सबसे पहले नर्व है, देन हमारे पास वेन है, देन हमारे पास आर्टरी है। और लोअर पार्ट में हमारे पास आ जाता है डायरेक्शन हमारे पास वही आ जाती है मीडियल टू लेटरल, फिर हमें नर्व सबसे जो ना वो देखने को मिलेगी, देन हमारे पास वेन आ जाएगी और देन हमारे पास आर्टरी आ जाएगी। तो ये सिंपल एक रूल देख लें कि पहले यू थी हम आर्टरी वेन नर्व, फिर सेंटर में आके इस तरह हो गई और आखिर लीविंग द पोपलीटियल फोसा हमारे पास ये डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये हमारे पास होंगे जनाब इसके कुछ रिलेशंस। तो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है पोपलीटियल फोसा का इंशाल्लाह। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद इस किस्म की वीडियोज़ देखने को मिले और आपके टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट होते जाएँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।